नेशनल लोक कल्याण पार्टी एनएलकेपी द्वारा दिल्ली प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोल दिल्ली बोल अभियान की शुरुआत कर अपना पहला नागरिक समर्थित घोषणा पत्र जारी किया गया, जो दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करेगा। ये घोषणा पत्र एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोगों को सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने शहर के भविष्य को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाता है। नागरिकों के हाथों में सत्ता एनएलकेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंद्रप्रीत सिंह के नेतृत्व में पार्टी ने एक पोर्टल पेश किया है, जिससे दिल्ली के लोग विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं और घोषणा पत्र के लिए सुझाव दे सकते हैं। आज जो यहाँ दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, तो यहाँ पे नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने एक ऐलान करा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक अलग मैनिफेस्टो बनेगा। तो पार्टी 71 मैनिफेस्टो बनाने जा रही है। उसी के साथ पार्टी ने पहली बार दिल्ली वासियों को दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए बोला है कि आप खुद आगे आए। तो एक बोल दिल्ली बोल .in करके पोर्टल चालू की है। इस पोर्टल के लिए कोई भी दिल्ली का वासी अपने आप को या जिसको वो पसंद करता है उसको नॉमिनेट कर सकता है। साथ ही साथ में जो भी अपने एरिया में वो डेवलपमेंट चाहता है उसके लिए मैनिफेस्टो में इनपुट दे सकता है। मैनिफेस्टो में इनपुट के साथ में वो हमारे साथ अलायंस करना चाहता है तो उसमें भी आ सकता है। और पूरे देश में और NRI कम्युनिटी के लिए ये बोल दिल्ली बोल .in पोर्टल चालू है। तो पहली बार मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को नॉमिनेट करें और साथ में आप इलेक्शन कंटेस्ट एग्जैक्टली वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी एक जो समस्या है हमारे देश के अंदर, वो उसको हल करने के लिए मैं सीधी सी बात करती हूँ कि देखो, मैं मेरी फैमिली के 50 मेंबर्स अगर हैं तो मैं उनकी गारंटी लेके चलूँ। सब हम ऐसे ऐसे अपने अपनी फैमिली की गारंटी अगर लेके चलते हैं कि वो कभी कुछ नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे तो हम उनका बाइकॉट करेंगे, तो अगर ऐसी मुहिम चलाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारी सेफ्टी जो है वो जरूर। मैं AK शर्मा, मैं दिल्ली का नेशनल लोक कल्याण पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और हम दिल्ली की आने वाले टाइम में 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और अभी तक जो हमने दिल्ली के लोगों के मुद्दे देखे हैं, हमने जाके जगह जगह सर्वे किया है, लोगों के जो मुद्दे निकल के आए हैं उसका हमने अभी पहली लिस्ट निकाली है, जो कि जैसे कि दिल्ली के लोगों को फ्री बस सेवा देना और दिल्ली में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को उनके लिए वैन भेजना, जगह जगह वैन जाएगी, उनका फ्री मेडिकल चेकअप करेगी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि मेडिकली और दिल्ली पीपल शुड बी फिट, यू नो। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिले फ्री ऑफ चार्ज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। माय नेम इज हरमीत सिंह, आइडियोलॉजी कॉल्ड दिल्ली। दिल्ली एज आई ऑलरेडी सेड, दिल्ली स्टैंड्स फॉर डी फॉर डेवलपमेंट, ई एजुकेशन, एल फॉर लाइवलीहुड एंड देन एच फॉर हेल्थ केयर एंड इनोवेटिव गवर्नेंस। सो टेकिंग दिस फ्रेमवर्क फॉरवर्ड, वी वुड यू नो give our request to other parties जो like-minded है हमारे साथ आके वो जुड़े और दिल्ली की development के ऊपर काम करें इन्हीं priorities के साथ और हमारा दिल्ली को बेहतर दिल्ली एक बना सके और साथ में secure भी रख सके और opportunities for everybody including women and everyone, we will request them to join our hands। सुश्रीकाल, मेरा नाम अमन बंसी है, मैं नेशनल लोक कल्याण पार्टी का जनरल सेक्रेटरी। कुछ मुद्दों पे आज जो बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पॉलिसी के मुद्दों पे जो तीन मेन इश्यूज हैं जिसपे हम एज अ पार्टी काम कर रहे हैं, सबसे पहले वो ये है कि जो भी आर्मी ऑफिसर्स या NRIs अपने डोमिसाइल एरिया में नहीं होते, दे आर पोस्टिंग या वो ट्रांजिट में होते हैं, तो वी आर राइटिंग अ व्हाइट पेपर, वी आर पिटिशनिंग टू द इलेक्शन कमीशन एंड द अथॉरिटीज के उनके लिए भी सुविधा बनाई जाए कि वो EVM के थ्रू जहां पर वो इस समय पोस्टेड हैं या ट्रांजिट में हैं, फॉर एग्जांपल एट द फ्रंटलाइन पोजीशंस और एयरपोर्ट्स और एम्बेसीज, वहां पे ये सुविधा होनी चाहिए। सेकेंड, वी आर कमिंग अप विद यूथ मैनिफेस्टो फॉर दिल्ली एंड स्टेट दिल्ली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत स्किलिंग पॉलिसीज एंड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, गिग इकोनॉमी को गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर लाने के लिए हम एक व्हाइट पेपर बना